गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा, जल्दी इन द सेंस कल रात 2:30 बजे सोया, तो उस हिसाब से फिर मैं जल्दी उठ चुका हूँ। और आज मसूरी की तरफ जाना पड़ेगा, हम धनोल्टी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरठ से एक जानने वाले आ रहे हैं सचिन भाई, जो कि होटल ले रहे हैं लीज पे धनोल्टी की तरफ। धनोल्टी से पहले कोई जगह है पता नहीं क्या, वो उनसे ही पूछेंगे। तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, जल्दी जल्दी तैयार होता हूं, फिर मैं उनके साथ, वो 3 लोग हैं तो उन्हीं के साथ चलते हैं भाई धनोल्टी की तरफ। देखते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी लीज पर ले रहे हैं, क्या प्लान है, क्या कितने में मिल रहा है, देख के आते हैं। 3-4 प्रॉपर्टी है वहाँ पे, और आज तो वैसे भी मसूरी की तरफ लैंडोर की तरफ फॉग आया हुआ है, हो सकता है रास्ते में धनोल्टी की तरफ भी फॉग मिल जाए। मिलेगा तो मज़ा आएगा, मैं आपको शो करूँगा। आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे, जल्दी जल्दी खा के निकलते हैं। हम दूध लेते हैं दूधिया से, तो गाय है उसके पास, यहाँ पे ज़्यादातर गाय रहती है, तो वैसे तो दूध पीने में अच्छा लग रहा, पर डर लगता है कि इंजेक्शन वगैरह ना यूज़ कर रहा वो दूध निकालने के लिए, करता तो नहीं होगा कभी, कहता तो भाई। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और अब मौसम देखो कितना प्यारा हो गया, और भैया भी आ चुके हैं इस कार से मेरठ से, तो 3 लोग हैं ये, एक मैं मिला के 4 जने इस कार से सफ़र करेंगे। धनोल्टी चलते हैं, चलो अब दिखाऊंगा क्या मस्त मौसम हो रहा है पहाड़ों पे। यहाँ पे चोटियों पे तो फोग आया हुआ है, तो इन्हीं चोटियों से होते हुए हमें निकलना है, फोग से होते हुए मज़ा आएगा। चलो भाई लेट्स गो। सुबह सुबह राजपुर रोड का नज़ारा हमेशा की तरह शांत। ये देखो भाई ऊपर पहाड़ों पे फोग बनता ही जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए, काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी आज आप लोगों के लिए। और अभी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं राजपुर, 9 किलोमीटर लंबी रोड है ये, क्लॉक टावर से स्टार्ट होती है घंटाघर से, और राजपुर बिल्कुल सीधी रोड है, सारे शोरूम इसी के किनारे हैं, जैसे मेरठ में आबू लेन हो गया या अलग अलग बिखरा पड़ा ना, यहाँ पे एक ही जगह है सब कुछ। यहाँ से लेफ्ट ले लो। सो देहरादून में एक ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल नॉर्थ देहरादून में अभी हम, हालांकि आज बारिश नहीं है, वरना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रिजलिंग होती है, मतलब बारिश पड़ती ही रहती है, यहाँ रुकती नहीं है, काफ़ी शांत एरिया। ये देहरादून की पहचान है, गंगोत्री यमुनोत्री बरकोट चम्मा मसूरी धनोल्टी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस नहीं चलती इस जगह पे, यहाँ पे तो यही खटारा पुरानी बस चल रही है। मेरठ में तो देखो सारी बस बदलती ना सिटी बस, लेकिन यहाँ की नहीं बदली अब तक, और हालांकि ये स्मार्ट सिटी बनने वाला है पर ये नहीं बदली है, पता नहीं कब बदलेंगे। विक्रम तो खैर इन्होंने बंद कर दिए हैं भाई। देखो राजपुर वाले एरिया में आके धूप कम्प्लीटली जा चुकी है और डार्क मौसम हो चुका है कम्प्लीट। अब देखो कभी भी बारिश पड़ सकती है यहाँ पे कभी भी, और ये वाला हिस्सा तो ऐसे देखने में लगता ही नहीं है कि इंडिया में, देखो ऐसा लग रहा है कहीं भारत देश में है। सैटरडे संडे में आपको बहुत क्राउड दिखेगा, आज संडे है ना, नहीं आज मंडे है, आज मंडे है, तो सैटरडे संडे में यहाँ पे ज़्यादातर वो दिखती है टूरिस्ट की वो यूटिलिटी व्हीकल और सब, क्योंकि ये मेन रास्ता है ना देहरादून से वो मसूरी से ऋषिकेश का। तो ऐसे घूमता रहेगा जलेबी की तरह भाई। अभी भी कुछ साल हो रहे हैं जब ये पेड़ पौधे इतने दिख रहे हैं आपको देहरादून में, इतना देखो घना जंगल है ना, कुछ साल बाद ये सब साफ हो जाएगा धीरे धीरे सब। वन विभाग इस टाइम इतना बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है, इतने ऑर्डर आते हैं उसके पास पेड़ कटने के। धीरे धीरे धनोल्टी मसूरी की तरफ जाते हुए, और यहाँ से पूरे देहरादून का व्यू जैसा कि मैं हमेशा दिखाता हूँ, वो सामने पैसिफिक गोल्फ, कितना एरिया हमने कवर कर लिया ये देखो। देहरादून व्यू खत्म हो जाएगा, मसूरी दिखेगा, ये लास्ट टर्न है इधर का, और ये देखो सामने मसूरी में क्या मौसम हो रहा है, पूरा माल रोड पे भाई खतरनाक मौसम है इस टाइम, पूरा फॉग आया हुआ है मसूरी माल रोड पे भी लैंडोर में, ये देखो ऊपर चक्राता के पहाड़ों पे, बहुत बढ़िया, यानी कि हमें फॉग मिलने वाला है बहुत खतरनाक, अभी मिल जाएगा जैसे धनोल्टी रोड पे चढ़ेंगे ना 4-5 किलोमीटर बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट फॉग को टच करने वाले हैं, बस हमसे कुछ ही दूर पर है फॉग, ये मसूरी जा रही है बस देहरादून से आई है, हमारे आगे आगे चल रही है। अभी हमने मसूरी रोड छोड़ दी है, अभी हम धनोल्टी की तरफ मूव कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मिलेगा बस असली फॉग। अब
भाई अब जाके फाइनली फॉग मिला है। तो भाई जिस एरिया में हम चल रहे हैं ना, ये मैं तो ये बोलूंगा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रास्तों में से आता है। और अब देखना तुम नजारे, फॉग यहाँ पे हमेशा ऐसे रहता है मानसून में, बिल्कुल डार्क और फॉग ही इन्वायरमेंट। कभी भी आपको फॉग देखना अपनी फैमिली के साथ, सीधा कार उठाओ और इस तरफ आ जाओ, आपको बेहतरीन फॉग दिखेगा। ये छोटे छोटे विला हैं, जो कि कुछ विला मिलते भी हैं रेंट पे, जो कि सिर्फ मेरे को मालूम है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले भी दिखाए हैं। भाई इतना चिल्ड इन्वायरमेंट हो रहा है ना, इतनी ठंडी हवा है, पूछो मत। ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी, मुश्किल से 50 मीटर का दिख रहा है, 50 नहीं 20-30 मीटर का, उसके बाद कुछ नहीं, गुप अंधेरा। तो ये यहाँ की खास बात है, आप मानसून में अगर इस रोड पर ड्राइव करोगे ना, मसूरी टू चंबा, ये पूरा सर्किट भी है वैसे, देहरादून से मसूरिया, मसूरी से चंबा, चंबा से ऋषिकेश से वापस देहरादून, कभी फॉग तेज होगा, देखो लाइट जला के चल रहे हैं सब, कभी फॉग तेज होगा, कभी कम होगा, कभी तेज होगा, कभी कम होगा, ऐसे चलता रहेगा खेल, पूरा चंबा तक यही चलता ही है। और सबसे ज़्यादा फॉग रहता है वो इसी तरफ रहता है, बाटा घाट हुआ, धनोल्टी हुआ, कनातल हुआ। तो अब आ चुका है जबरखेत नेचर रिजर्व, लेफ्ट साइड में पूरा जबरखेत नेचर रिजर्व का फॉरेस्ट है। यहाँ पे एक गाइड है, वीरू लोकल विलेजर है, वो काफ़ी साल से गाइड का काम कर रहा है, वो बर्ड वाचर है, दूरबीन रखता है। 400 रुपये एंट्री है पर पर्सन, कम ज़्यादा हो सकती है, मुझे 400 ही ध्यान आ रही है। तो 2 घंटे की वॉक है जंगल के अंदर, सब तरह की चिड़िया दिखाएगा, वाटर होल्स दिखाएगा, जो कैमरे में ट्रैप हुए हैं जानवर वो भी दिखाता है। तो बहुत प्यारी जगह है, और देखो आपको देखने में लग रहा होगा बहुत प्यारा जंगल है, बहुत सारे बर्डिंग के लिए बेस्ट है ये मसूरी के पास। नेचर वॉक करनी हो तो वीरू लोकल गाइड है, उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी कॉन्टेक्ट करें, आप नेचर वॉक कर सकते हैं। ये गिफ्ट है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ये बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सबको मालूम नहीं होती है, जो बर्ड वाचर्स हैं जिनको वॉकिंग करनी है जंगल में इस फॉग में मानसून में, अक्टूबर के लास्ट तक कभी भी आ सकता है और अपना वो वॉक कर सकता है। दो है यहाँ पे नेचर वॉक, 2 जगह होती है, एक तो बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्लाउड एंड की तरफ, हाथी पाँव की तरफ, वो भी बहुत घना जंगल है, बहुत अंधेरा जंगल रहता है, और एक ही है जबरखेत नेचर रिजर्व। 2 यहाँ पे नेचर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे बहुत सारे बर्डिंग वो दिख सकती है और वॉक हो सकती है घने जंगल में, अंधेरे में, फॉग में, दिन में भी अंधेरा रहता है वहाँ। और ये देखो देहरादून का नज़ारा, यहाँ से देहरादून पूरा दिखता है लेकिन कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अब बस हम बाटा घाट पहुँचने ही वाले हैं, सामने अनकट वीडियो दिखा देता हूँ बाटा घाट की। यहाँ पे भी काफ़ी रूम्स हैं, और यहाँ पे रूम्स हैं, अगर किसी को रूम चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकता है डिस्क्रिप्शन की, आई वांट रूम इन बाटा घाट, ये वाले रूम्स हैं मटकप कैफे के पीछे। और यहाँ पे तो फॉग ही मिलेगा हमेशा, देखो कितनी तेज़ी से फॉग बह रहा है। मैं पिछली बार गंगोत्री गया था तब मैंने ये रूम्स दिखाए थे, और तब भी मैंने माहौल दिखाया था तब भी फॉग आया हुआ था काफ़ी। बहुत शांत एरिया है, बहुत ठंडा एरिया है, जिसको मसूरी से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर साइड में रुकना है धनोल्टी रोड पर, तो वो बाटा घाट में भी रुक सकता है। डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है उसका।
करते हैं, फार्म हाउस बना बना के बेचते हैं। अच्छा, मूल रूप से है वो उधर के। तो पहुंच गए सुबह कोली, लेफ्ट में जा रहा है गंगोत्री, सीधा जा रहा है धनोल्टी और बुरासखंडा, जहाँ पे हमें जाना है बुरासखंडा। फोक तो भरपूर है, इतना है कि आपका पेट भर जाएगा। सारे ही मौसम देखने को मिल रहे हैं, पर ये शुक्र है आज ड्रिजलिंग नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है, वो शाम के बाद होती है, अगर अक्सर होती है तो मॉर्निंग में कमी होती है, वरना यहाँ पे थोड़ा सा फिर लैंडस्लाइड तो होती नहीं है, बहुत मजबूत पहाड़ हैं, इतने भी एकदम से खड़े पहाड़ नहीं है, कच्चे पहाड़ नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा ड्रिजलिंग में अवॉइड ही करना चाहिए, वो भी जब दो तीन दिन से हो रही हो तब ज़्यादा टूटते हैं पहाड़। बारिश की प्रॉपर्टी देखो क्या अलग ही डिज़ाइन है। 45 किलोमीटर का सफर करके और पौने दो घंटे में हम पहुंच गए बुरासखंडा। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ भाई, देखो टूरिस्ट की टेम्पो ट्रेवलर यहाँ पे हमेशा लगातार आते रहते हैं, आपको सारी हरियाणा ज़्यादा नंबर दिखेगी, ये जो स्विफ्ट डिज़ायर आ रही है ये भी हरियाणा नंबर है, और यहाँ से धनोल्टी सिर्फ 4-5 किलोमीटर है, और यहाँ से मतलब स्टार्ट हो गया धनोल्टी की वाइब्स। और ये देखो यहाँ पे भी एक रिजॉर्ट खुला हुआ है, कितना प्यारा ग्रास लैंड है और एक्टिविटी है, ये पूरा यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई है और भी जिप लाइन वगैरह, ये जिप लाइन है ऊपर, तो फिलहाल तो ये क्लोज पड़ा है। इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत सारी है धनोल्टी में, इसी चीज़ के लिए धनोल्टी फेमस है, अपनी कैंपिंग के लिए, अपने फोक के लिए। तो यहाँ से देखो पूरा मतलब अभी तो बादल आए हुए हैं क्योंकि मानसून का समय है, वरना यहाँ से पूरा ग्लेशियर दिखता है, पूरा लेके बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूरा काजा कल्पा वाली हिमाचल की पहाड़ियाँ भी दिखती हैं, बहुत बड़ी है। यहाँ से इस तरफ का व्यू भी है और इस तरफ का फ्रंट साइड का देहरादून व्यू भी है, इस तरफ इन दुकानों के पीछे व्यू आएगा। अभी जो प्रॉपर्टी हम देखने आए ना वहाँ पर, यहाँ पहाड़ पर है वो, वहाँ से दोनों तरफ के व्यू हैं। फोग तो पूछो ही मत, लगातार ही फ्लो हो रहा है, मतलब टाइम लैप्स की भी जरूरत नहीं है, इतनी तेज़ी से जा रहा है वो। देखो ठंड सी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जैकेट पहन के आते, कैप पहन के आते, हर जगह इतनी हुमस है, गर्मी है, यहाँ ठंड का एहसास। इस तरफ से रास्ता जा रहा है, जहाँ भी आप नज़र डालोगे वहाँ पे एक से एक रिजॉर्ट कॉटेजेस बने हुए हैं धनोल्टी में। चिड़िया भी कितनी प्यारी बोल रही है भाई, ये वाला लैंड देखो कितना प्यारा है, सामने कॉटेज बना हुआ है। ये सारे सेब के पेड़ हैं, चिड़िया देखो, सुनो आवाज़ ही मालूम चल रहा है, बहुत छोटी चिड़िया होंगी इस साइज की। ये जंगल में रास्ता जा रहा है, पर अभी मैं इधर जाऊंगा नहीं, शायद ये प्रॉपर्टी होगी वो जिसको हम देखने आए हैं। नहीं नहीं, इससे आगे है, ये तो घर है। सो, ये लोकेशन है, इसमें ये वाला घर भी बना हुआ है जिसको रेस्टोरेंट बनाने का विचार है, और यहाँ पर कुछ काम भी चला हुआ है जो कि पुस्ता चल लग रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को समझते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे एक जियो का टावर भी है, फुल रेंज है यहाँ पे जियो की, और पूरा फोग आ रहा है। एक्चुअली इस पहाड़, ये थोड़ा कोटे हिल टॉप पे है ना, उस तरफ धनोल्टी रोड तो उस तरफ है, इधर से पूरा व्यू आता है देहरादून का। चिड़िया की आवाज़ सुनना जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में बोलती है, यहाँ पर बोल रही ये। अभी मैं टाइम लैप्स भी लगाऊंगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना फोग कैसे उड़ रहा है। यही मजे हैं धनोल्टी के, आपके पास एक ग्रासलैंड काइंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप कैंप लगाओ, आराम से लेटो, चिल आउट करो, किताबें पढ़ो। हाँ अच्छा अच्छा एक महीने में बना देंगे, है ना, ये धनोल्टी रोड है ये, बनेगी 15 फीट चौड़ी। अरे वाह, ट्रेवल्स वगैरह सब आ जाएगा, सब आ जाएगी है ना, 15 फीट चौड़ी बन जाएगी। चलो भाई थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, वहाँ से प्रॉपर दिखेगी ये लैंड। जंगल काफ़ी घना है, बुरांस के पेड़ हैं, चिड़ियाँ काफ़ी हैं,
वाह, अरे मैं डर गया, एक मुर्गी थी जंगली मुर्गी या क्वेल या बटेर तीतर क्या था, उड़ गया। सो यहाँ से आ रहा है पूरी प्रॉपर्टी का व्यू, ये है भाई प्रॉपर्टी जिसको हम देखने आए थे, उधर धनौल्टी रोड उस तरफ भी कुछ कैंप है और ये इसमें ये बनाएंगे। फोग तो इतनी तेज आ रहा है भाई, यहाँ पे टाइम लैप्स की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं फोग। ये देखो, पर ये जगह अभी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी लें या ना लें, क्योंकि थोड़ा सा कम जगह है, कंजस्टेड सी लग रही है। वैसे तो सब बढ़िया है, फोग वोग सब कुछ आ रहा है। सो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको धनौल्टी के पास आके? मुझे मॉनसून में यहाँ पे आने का भी मौका मिल गया है और आपको भी अपने साथ घुमा रहा हूँ। बड़े बड़े रोक भी है यहाँ पे, और देखो जड़ किस तरह से पकड़ी हुई है इन्होंने, ये देखो इस तरह के पत्ते अच्छे लगते हैं भाई, बिल्कुल ग्रीन है सब कुछ। अखरोट का पेड़ है भाई, अखरोट का पेड़ भी कितना मतलब पूरी बेल से ही घिरा हुआ है, सूख सी गया ये तो। किस तरह के पत्ते हैं इसके, ये अखरोट का पेड़ भी प्रॉपर्टी में, ये सब कुछ सारा। अभी मैं इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल एंड में खड़ा हूँ, अभी मैं हम उस तरफ घूम रहे थे और यहाँ पे तीन रूम भी हैं जो कि इस तरह से हैं, एक रूम दो रूम तीन रूम। अभी रेस्टोरेंट बनाने की सोच रहे हैं, इसके ऊपर ही बनेगा रेस्टोरेंट जब बनेगा तो। सो वापस मेन रोड पे आ गए हैं और यहाँ से भी भाई देखिए, देखो सामने कितनी प्यारी लोकेशन दिख रही है। यहाँ पे भी तीन चार कैंप हैं, एक वहाँ पर है वो है एक ये है, जो रियली बहुत अच्छी लगी है वाली लोकेशन भी, और कुछ गांव के घर हैं पठाल, एक ये रियली में सुपर्ब भाई। फोग कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये देखो इसकी मूवमेंट देखो फोग की, बिना टाइम लैप्स किए कितनी तेज़ी से आ रहा है, ये देखो हवा का फ्लो देखो वहाँ से। मॉनसून चल रहा है तो ऑफकोर्स मॉनसून में तो इस तरह का ही माहौल होता है। ये वाला कैंप बंद पड़ा है, इसका कुछ नाम भी नहीं दे रखा इन्होंने तो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कैंप। कैंप हो तो ऐसे हो, सारी एडवेंचर एक्टिविटी है इनके पास। ये मैंने दूसरी बार दिखा रहा हूँ, पहले भी दिखाया था, कैंप इतना अच्छा है कि दूसरी बार दिखाना पड़ रहा है। ये देखो ना, धनौल्टी इसी चीज़ के लिए फेमस है, धनौल्टी कनातल इस तरह के कैंपों के लिए, इस तरह का एनवायरनमेंट के लिए, पूरा फोग उड़ रहा है, ठंडे माहौल सुपर्ब। तो ठीक है, वापस भाई अपनी कार में आ गए हैं और अंकित चौधरी भाई यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, इनके बराबर में बैठा हुआ हूँ, और ये सचिन भाई है, ये भाई उत्तम यादव जी हैं, और कारगिल शहीद जो योगेंद्र यादव जी थे, मतलब आपने एलओसी मूवी में भी देखा होगा, उनका नाम लिया हुआ है ना एलओसी में, है उनका रोल का, उनका पूरा रोल है ना, आशुतोष राणा ने जो रोल किया था एलओसी मूवी में, तो वो इनके सगे भाई हैं और कारगिल शहीद हैं वो, और कारगिल शहीद थे तो उनको ना मतलब जैसे दिल्ली में भी मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे मिल मतलब दिल्ली में भी फ्लैट मिला हुआ है, और इनके पास एजेंसी भी है एक जो कि रन कर रहे हैं, हस्तनापुर में ही है ना, मवाना में एजेंसी है। तो भाई बहुत सब्सक्राइबर्स को नहीं पता, लेकिन मैंने कभी ऐसा बताया नहीं है, लेकिन मेरे फादर भी शहीद हुए हैं एलओसी में, और वो तो हैपो के मतलब हैपो हुआ था उनको, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, तो वो हाई अल्टीट्यूड पे ही होता है, उसमें ना मतलब आर्मी पर्सन की एक कुछ सेकंड में ही डेथ हो जाती है खड़े खड़े, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है और लंग्स में पानी भर जाता है, तो वो भी मतलब शहीद ही होते हैं क्योंकि वो वहाँ पे खड़े हैं देश की सेवा के लिए। बिल्कुल चोर, मेरे फादर थे चोर बाटला सेक्टर पे, मतलब एक चोर बाट था, ला पीछे लगता है जैसे खरदुंग ला, तो चोर बाट तो रीजन है, ला चोर बाट ला, वो बिल्कुल एलओसी पे है। एक जगह और रुके थे धनौल्टी से पहले, सामने धनौल्टी है, बार बार बहुत ज़्यादा फोग आ रहा है जा रहा है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट टाइम है कि मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, अभी इसका टाइम लैप्स आप एंजॉय करो। ये देखो कैसे वैली में से पूरा फोग उठ रहा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.
We can sit together. So, अभी आपने यहाँ पे टाइम लैप्स देखा किस हिसाब से बादल आए चले गए और फिर दोबारा से देख लो इतने खतरनाक फॉग आ चुका है कि बहुत बस कि बस इतनी पास का ही दिखाई दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। तो मैं ना एक नॉर्मल वीडियो चलाता हूँ जिसमें आप फॉग को एंजॉय करो, जिसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप इसको एंजॉय करो, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा ना टाइम लैप्स चलाऊँगा, बस ऐसे ही एंजॉय करो इसको। देखिए आपने ये वीडियो, मुझे इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है और फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो ज़्यादा आएंगी जिसमें मैं कम बोलूँगा और आपको इन्वायरमेंट ज़्यादा महसूस करवाऊँगा। ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, अभी हम जहाँ पे रुके हुए हैं पिछले 1 घंटे से वो दिखा देता हूँ कौन सा एरिया है। जिन भाई के साथ मैं सचिन भाई के साथ आया हूँ, इन्हीं के जानकार हैं ये द ग्रीन एकर्स होटल एंड रेस्टोरेंट वाले, तो यहीं पे बैठे हुए थे, काफ़ी देर से मीटिंग कर रहे थे वो। देखो पीछे की तरफ ना बारिश हो रही है, ये लोग ना भीग रहे हैं, तो देखो सबने रेनकोट पहना हुआ है, तो कहीं बारिश है कहीं फॉग है कहीं धूप है, ये चलता रहता है यहाँ पे पहाड़ों में। देखो टूरिस्ट आ रहे हैं राजस्थान के इनोवा से, थोड़ा सा और मसूरी की तरफ आए हैं तो यहाँ से भी व्यू देख लो, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। और मुझे तो ये वाला लैंड सबसे अच्छा लगा है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया है। धूप आ रही है देखो, सिर्फ इतने में धूप आ रही है और कहीं धूप नहीं आ रही। चलो आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back.